हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहदिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीनियर सेकंड लेवल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और दोस्तों आपकी परीक्षा डेट पहले घोषित की जा चुकी है। साथियों, राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में 18.5 लाख फॉर्म भरा गए हैं और दोस्तों अब 18.5 लाख अभ्यर्थी इसके लिए एग्जाम देने वाले हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा CET नोटिफिकेशन के अंदर लगभग 12 भर्तियां दोस्तों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड लेवल के आधार पर करवाई जाएगी। उसके लिए ये प्री एग्जाम है। जो अभ्यर्थी इसमें पास होंगे दोस्तों वही अभ्यर्थी उन भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाएंगे, इसलिए आपके लिए ये भर्ती परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपके एडमिट कार्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपके आगे परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर आपको पूरा फोकस करना है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड लेवल के अधीन दोस्तों राजस्थान वन सेवा के लिए वनपाल की भर्ती होगी। इसी के साथ राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय के लिपिक ग्रेड सेकेंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक ग्रेड के लिए कनिष्ठ सहायक, और इसी के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक ग्रेड सेकेंड, और राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के लिए जमादार ग्रेड सेकेंड, राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों पुलिस कॉन्स्टेबल, साथ ही राजस्थान पंचायत राज में कनिष्ठ सहायक, और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर कनिष्ठ सहायक, और कृषि उपज मंडी के अंदर कनिष्ठ सहायक, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड, और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा के लिए कनिष्ठ सहायक। इस प्रकार दोस्तों ये 12 भर्ती परीक्षाएं CET सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकंड लेवल के आधार पर होने वाली है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा CET के अंदर पहले नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, लेकिन दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा घोर विरोध के बाद उसको हटा दिया है और अब 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों के 40% अंक आ जाते हैं साथियों, वह आगे इन समस्त भर्तियों में बैठने के लिए पात्र हो जाएगा। तो ये पात्रता परीक्षा है। तो साथियों, जो अभ्यर्थी इसमें पास होंगे वह अभ्यर्थी आगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये 12 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। जो अभ्यर्थी इसमें पास होगा वही अभ्यर्थी इसमें बैठ पाएगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के अंदर जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी वह राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित करवाई गई थी, जो दोस्तों उससे अभ्यर्थी बहुत परेशान थे क्योंकि बहुत दूर दूर उनके परीक्षा सेंटर आए थे। लेकिन दोस्तों, सीनियर सेकेंड लेवल के लिए आपका इस बात का ध्यान रखा गया है कि परीक्षा सेंटर आपके जिले में या दोस्तों वहाँ जगह नहीं होने पर जो जस्ट पास में जिला होगा वहाँ पर आपका परीक्षा सेंटर आ रहा है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपका परीक्षा सेंटर कहाँ पर आया और कौन से जिले से आप संबंध रखते हैं। साथियों, राजस्थान सम्मान पात्रता सीनियर सेकेंड लेवल के अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था कि उनके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, यानी 18.5 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए और आप अपना एडमिट कार्ड अपने SSO ID के माध्यम से या रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप अपना परीक्षा सेंटर चेक कर सकते हैं कहाँ पर आपका परीक्षा सेंटर आया है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड लेवल आपके 3 दिन आयोजित करवाई जाएगी और 2-2 चरणों में दोस्तों ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, यानी एक दिन में 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर दोस्तों आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड पेपर आपका 3 से लेकर 6 बजे तक है। इसी प्रकार दोस्तों 23 तारीख को भी और 24 तारीख को इसी प्रकार आपका भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों, जिस दिनांक और समय पर आपके एग्जाम है आप समय पर पहुँचकर अपने भर्ती परीक्षा का एग्जाम दें। साथियों, ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आप रिक्रूटमेंट पोर्टल या अपने SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख आपके पास होनी चाहिए, उससे दोस्तों आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसे समस्त भर्तियों में दिए जाते हैं। आपको दोस्तों परीक्षा में जाने से पहले इन सब को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और क्या गाइडलाइन दी गई इसको विस्तृत रूप से आप देख लें। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें और जिस प्रकार दोस्तों आपको गाइडलाइन में दिशा निर्देश दिए गए उसी की पालना करते हुए आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और एग्जाम दें। दोस्तों, साथियों, इस भर्ती परीक्षा में भी आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको कोई सा गोला भरना होगा। 4 ऑप्शन प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा और पांचवा दोस्तों अनुत्तर से संबंधित होगा। तो 4 में से आपको जो भी सही लगता है उसमें से दोस्तों कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके गोले को काला करें। और आपको यदि वो प्रश्न नहीं आता और आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो दोस्तों ई ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न पर आप क्लिक करें। यदि दोस्तों 5 विकल्पों में से आप किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न के उत्तर को नहीं देते हैं तो दोस्तों आपके 1/3 अंक काटा जाएगा। कुल प्रश्नों के जितने दोस्तों आपके प्रश्न में कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों को विकल्प यदि आप भरते नहीं है यानी खाली छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपका
भर्ती परीक्षा से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपकी कॉपी यानी आपके ओमार सीट चेक नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कई अभ्यर्थी दोस्तों पिछले आयोजित भर्ती परीक्षा में इस प्रकार की गलती कर चुके हैं, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको दोस्तों सभी क्वेश्चन करने के लिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और यदि दोस्तों आप किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके अनुत्तरित करना है, लेकिन खाली किसी को नहीं छोड़ के आना है दोस्तों। इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कई अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते और दोस्तों ये गलती कर बैठते, जिससे वह परीक्षा में दोस्तों अपात्र हो जाता है। साथ ही ड्रेस कोड के बारे में भी इसमें बताया गया, तो ड्रेस कोड के आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उसी के अनुसार दोस्तों आप एग्जाम देने जाएं। साथ ही परीक्षा में कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या नकल करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ दोस्तों अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें साथ ही 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का आर्थिक दंड व 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने से बचें और दोस्तों पूरी ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अधिक जानकारी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का हम निरंतर रूप से अवलोकन करते रहे, सभी प्रकार की जानकारियां वहां पे मिलेगी। साथियों, सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर 18,63,000 के लगभग अभ्यर्थी इसके लिए परीक्षा देने वाले हैं। तो साथियों, जहाँ तक उम्मीद है 90% से अधिक इसमें उपस्थिति होने वाली है, क्योंकि स्नातक के में भी दोस्तों लगभग 90% के लगभग उपस्थिति रही थी, तो इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और ये बैंकर कंपटीशन है, तो साथियों जो अभ्यर्थी इसमें पास होंगे वही आगे इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो पाएगा। तो आपको इसके लिए विशेष रणनीति अपनाकर दोस्तों इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी अब तक तैयारी की होगी और दोस्तों पेपर को हल करते समय आपको विशेष स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैंने पेपर कैसे हल करें उसके लिए वीडियो बना रखा है, वो वीडियो को दोस्तों मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आपने अब तक जो भी पढ़ा बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। इसमें दोस्तों 2 पारी में आपका पेपर होगा, दोनों कुल मिलाकर आपको 40% से अधिक अंक लेके आने हैं, जिससे दोस्तों आप आगे इन भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार सम्मान पात्रता परीक्षा CET के साथ ही समस्त भर्तियों के नवीनतम और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM Tech Info को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों के नवीनतम और ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।